वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जेन कुकिंग विद टेस्टी बाय करण शाह। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रैंकी, जो कि मुंबई के कई स्ट्रीट फूड में से एक है। और इस फ्रैंकी की शुरुआत होती है आटा गूंदने से। तो लेते हैं एक कप आटा, स्वाद अनुसार नमक और एक टेबल स्पून तेल। इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर पानी की मदद से एक सॉफ्ट डो तैयार करें। जनरली फ्रैंकी मैदे के आटे से बनती है, लेकिन हम यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ढलने रखना होगा। जैसे ही डो तैयार हो जाएगा, एक कंटेनर में हम उसे ढककर रख देंगे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है हमारा चिली विनेगर बनाना। उसके लिए हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून विनेगर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और आधा टीस्पून सॉल्ट। मिक्स कर अच्छे से उसे साइड पर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रैंकी मसाला बनाना। सबसे पहले जाएगा इसमें जीरा, फिर बाद में कोरिएंडर सीड्स, उसके बाद में थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। आपको इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धीमी आंच पर हमें इसे भूनते रहना है जब तक कि हमें खुशबू ना आने लगे। खुशबू आते ही गैस को कर देंगे बंद और ठंडा होने के बाद में उसमें सॉल्ट डालकर इसे मिक्सी में चला लेंगे। और लीजिए, तैयार है हमारा स्पेशल फ्रैंकी मसाला। और अब बढ़ते हैं हमारे फिलिंग की ओर, जिसके लिए हमें लगेगा एक स्पेशल पेस्ट, जिसमें जाएगा ड्राई जिंजर पाउडर, हींग और थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करके इसे हम एक पेस्ट बना लेंगे, जो जाएगा हमारे गर्मा गर्म तेल में जो हमने पहले से ही रख दिया था। 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद में इसमें जाएगी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सारे फ्लेवर्स एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा ले। उसके बाद में हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे भी भूनेंगे। और भूनते ही उसमें डाल देंगे हम टमाटो सॉस और टमाटो प्यूरे। अब जैसे इसे भूनोगे, इसका कलर और टेक्सचर दोनों बदल जाएगा। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि तेल हमारे टमाटो के मिक्सचर से छूट ना जाए। और अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए और मैश किए हुए कच्चे केले। इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसालों का हर एक फ्लेवर जो हमने इतनी मेहनत से उभारा था, वो केले में आ जाए। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद में इसमें जाएगा हमारा स्पेशल फ्रैंकी मसाला और फ्रेशनेस का भंडार, हरे धनिए की पत्तियाँ। और लीजिए, तैयार है हमारे फ्रैंकी की जान, हमारी फिलिंग। अब निकालेंगे हम हमारा आटा, जिसे हमने पहले से ही गूंद के रखा था, और उसे छोटे छोटे पोर्शन में काट लेंगे, क्योंकि इससे बनाने वाले हम पराठे। अब पराठे बनाने तो आपको आते ही होंगे। इसे गोल गोल बेल लीजिए और एक थाली पर रख दीजिए। सारे पराठे बेल जाने के बाद उसे गरम तवे पे घी डाल के कच्चे पक्के सेक लीजिए। हमने जो फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, और अब उसे इस तरीके से रोल करके हम पैटीज बना लेंगे। आप चाहे तो इसी फिलिंग में चीज थोड़ी सी ग्रेट कर दे, तो बन जाएगी हमारी चीज पैटीज। अब जो सारे तैयार पैटीज है हमारी, हम उसे शैलो फ्राई कर देंगे। आपकी जो चीज वाली पैटीज होगी वो शायद से चिपकना शुरू कर दे, लेकिन घबराना मत, बस खाली उसे ध्यान से पलटाते रहना, ताकि वो अच्छे से सब जगह से सिक जाए। आप चाहे तो इन सारे पैटीज को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा हंकड़, थोड़ा सा सॉल्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल। ये एक ट्रेडिशनली करेक्ट मेयोनीज तो है नहीं, लेकिन ये उसका काफ़ी सही सब्स्टिट्यूट करता है।
अब हम बनाएंगे एक क्रंची सैलड जिसमें जाएगा थोड़ा सा श्रेडेड कैबेज, धनिया, सॉल्ट और नींबू का जूस। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी असेंबली, जिसके लिए हम तवे को कर देंगे गरम, डाल देंगे उसके ऊपर बटर और बटर गरम होते ही उसके ऊपर हाफ टन रोटी। रोटी को पहले दोनों साइड से थोड़ा पका लेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे बटर जिसके ऊपर गरम होगी हमारी पेटिस। अब जो हमने मेयोनेज बनाया था वो हम कर लेंगे स्प्रेड हमारी रोटी पर और उसके साथ में हम डालेंगे टमाटो सॉस थोड़ा सा और उसे भी स्प्रेड कर लेंगे। अब इस रोटी को हम उतार लेंगे एक प्लेट के ऊपर, जिसके बाद में इसके सेंटर पे हम डालेंगे हमारी पेटिस। पेटिस डालने के बाद में हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा सलाद और थोड़ा सा चीज। अब चाहे तो चीज नहीं भी डाले और फिर बाद में डालेंगे हम चाट मसाला और हमारा स्पेशल फ्रैंकी मसाला। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम डालेंगे इसके ऊपर चिली विनेगर जो हमने पहले से बना के रखा था, और जो बचा है अब वो बस है इसे टाइटली रोल करना और तैयार है हमारी स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी, जिसे आप जब मन चाहे बना सकते हैं। और बनाकर प्लीज कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। ट्राई योर रेसिपीज एंड शेयर योर स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम। डोंट फॉरगेट टू टैग अस ऑन @tastyeat_। चेक आउट अदर एक्सक्लूसिवली जैन रेसिपीज फ्रॉम टेस्टी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। साइनिंग आउट, टीम टेस्टी।